हे गाइस, दिस इज शिवा। गाइस, आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे इंग्लिश फ्रेज के बारे में जिसे कि लोग इंग्लिश बोलते समय बहुत ही यूज़ करते हैं। तो वो इंग्लिश फ्रेज है, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। तो गाइस, इसका हिंदी में मतलब होता है ये आपके ऊपर है, या इसे हम इस तरह से भी कहते हैं ये आप पर निर्भर है। मान लो अगर आपको किसी ने इंग्लिश में कहा कि इट्स अप टू यू, तो इसका मतलब वो आपको कह रहे हैं कि अब ये तुम पर निर्भर है कि क्या करना है, या ये आप तुम्हारी चॉइस है कि क्या डिसाइड करना है। तो ये तो था इसका मीनिंग गाइस। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ आए। तो गाइस, मान लो तुम और तुम्हारे दोस्त मूवी के बारे में डिस्कस कर रहे हो और आपके दोस्त ने आपको पूछा कि यार आज हम कौन सी मूवी देखें, तो तब आप कहते हो यार ये तुम पर है, तुम डिसाइड करो कि कौन सी मूवी देखना है। तो ये जो आपने कहा ये तुम पर है, तो इसके लिए आप इंग्लिश में कहोगे इट्स अप टू यू। इसी तरह से अगर आपको कहना है कि ये उसके ऊपर है, यानी ये उसके ऊपर निर्भर है, तो इसके लिए आप इंग्लिश में कहोगे इट्स अप टू हिम। अगर किसी लड़की के ऊपर है तो आप हिम के जगह हर लगा दीजिए और कहिए इट्स अप टू हर। अगर आपको कहना है कि ये उन पर निर्भर है, तो आप कहोगे इट्स अप टू देम। अगर किसी पर्सन का नाम लेके आपको कहना है कि ये मीरा के ऊपर है, तो आप कहोगे इट्स अप टू मीरा। अगला एग्जांपल है, ये जानना आप पर निर्भर है कि कौन सही है या कौन गलत, तो इसकी इंग्लिश होगी इट्स अप टू यू टू फिगर आउट हु इज राइट और हु इज रॉन्ग। ये चुनना आप पर निर्भर है कि आप अपना बाकी का जीवन कैसे बिताना चाहते हैं, मतलब इट्स अप टू यू टू चूज हाउ यू वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अगला एग्जांपल है, ये जानना आप पर निर्भर है कि आपको क्या करना है, इट्स अप टू यू टू फिगर आउट व्हाट टू डू। अगला एग्जांपल है, आप चाहे तो जा सकते हैं, ये आपके ऊपर है, यू मे गो इफ यू विश, इट्स अप टू यू। तो ये थे गाइस कुछ एग्जांपल्स और एक छोटी सी वीडियो इंग्लिश फ्रेज इट्स अप टू यू के ऊपर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसे कब और कैसे यूज करना है। और गाइस, अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो गाइस, जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो गाइस, ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ अपने इंग्लिश पार्टनर को वीडियो शेयर करिएगा। और अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट ज़रूर करें। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंग्लिश प्रैक्टिस करते रहिए। सी यू गाइस, बाय बाय।